वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को ये दिखाने जा रही हूं कि अगर आप लोग छत पे समर वेजिटेबल लगाते हैं, उसमें भी स्पेशली वाइन की बात मैं आज करूंगी, तो उनमें हमें किस तरह की केयर करनी चाहिए जिससे कि हम कम से कम समय में मैक्सिमम फ्रूट ले सकें। क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि जो वाइन होती हैं उनकी लाइफ 3 महीने की होती है। 3 महीने में हमें उसे इतना हेल्दी बना देना है जिससे कि हम उससे अच्छी फ्रूटिंग ले सकें। तो उसके लिए हमें कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाने हैं, वो आज का टॉपिक है। और इसी पे आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो किन चीजों को मैं अपनाती हूँ जिससे कि मेरे यहाँ अभी खरबूज, ककड़ी, पम्पकिन, ये सारे कुछ लग रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो। जब भी हम समर की वेजिटेबल वाइन लगाते हैं तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि हमने इसे गमले में लगाया है। जब हमारा प्लांट जमीन में होता है तो हम इसे आड़े तिरछे जैसे नेचुरल बढ़े इसे बढ़ने देते हैं। और चूंकि मिट्टी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, जमीन में स्पेस बहुत होता है, तो किधर भी बढ़े हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर हम पॉट में लगाते हैं और चाहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा फ्रूटिंग मिले, तो उसके लिए हमें कुछ काम करने पड़ते हैं। उसमें से सबसे पहली चीज है कि किस तरह से हम उसे प्रून करें, कितने पत्तों के बाद उसे प्रून करें जिससे कि हमें बहुत ज्यादा फीमेल फ्लावर मिले और हम ज्यादा से ज्यादा फ्रूटिंग ले पाए। दूसरी चीज है धूप। धूप बहुत अच्छी आनी चाहिए, चाहे आपकी बालकनी हो, चाहे आपका टेरेस गार्डन हो। अगर 7-8 घंटे की धूप लगती है तभी आपको बहुत सारी सब्जियां मिलेंगी। अदरवाइज चाहे आप कितना भी खाद डाल लें, कुछ भी कर लें, उसमें आपको फ्रूटिंग बहुत कम देखने को मिलेगी। आपके प्लांट लेगी हो जाएंगे, हरे भरे रहेंगे, लेकिन फ्रूटिंग नहीं होगी। तीसरी चीज है वाटरिंग। जो बेल वाले जो वाइन होती हैं उनमें आपको अच्छे अमाउंट में वाटरिंग करनी है, इसलिए क्योंकि बहुत तेजी से ये बढ़ती है। मैं आपको दिखाऊंगी कि ककड़ी की बेल लगाई थी मैंने, तकरीबन 1 महीने हुए होंगे और 1 महीने में ही उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई, काफी लंबा चौड़ा प्लांट हो गया और उसमें ककड़ी भी लगने लगी। तो आप सोचे कि इनको पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है बढ़ने के लिए। इसके बाद चौथी चीज आती है फर्टिलाइजेशन। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसा मैंने कहते हुए सुना है कि कोई पर्टिकुलर खाद डालिए जिससे कि आपके गमले में हजारों कद्दू लग जाएंगे। इन सब फेक बातों पे ना जाएं, क्योंकि हजारों कद्दू नहीं लग सकते गमले में। गमले में आपको 2 से 3 कद्दू मिलेंगे, वो भी आप बहुत अच्छी केयर करते हैं तो। जमीन की बात अलग होती है, तो आपको पॉट में केयर करनी ही पड़ेगी। और अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि किस तरह से उसे प्रून करना है, किस तरह से हैंड पॉलिनेशन। अगर आप पॉट में वेजिटेबल लगाते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आप हैंड पॉलिनेशन जरूर करें। उसके लिए आपको एक छोटे से ब्रश की जरूरत होगी, जो मैं हमेशा रखती हूँ। वो इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि पॉट में फीमेल फ्लावर बहुत सारी आने लगती हैं, मेल फ्लावर नहीं दिखते। कभी मेल फ्लावर होते हैं, फीमेल फ्लावर नहीं होती हैं। उसका एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों को दूंगी। इससे क्या होता है कि जैसे ही फ्लावर बनने लगते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, क्योंकि फीमेल मेल फ्लावर उसमें बन नहीं रहे हैं। तो अभी आपको सबसे पहले मैं अपने जो स्पंज गार्ड मैंने लगा रखा है उसकी बात करते हैं कि कैसे उसमें फीमेल फ्लावर आई हुई हैं। यहाँ देखें, एक छोटी सी बेल है जिस पे ये फीमेल फ्लावर आया हुआ है स्पंज गर्ड पे। और ये तोरी की तरह ही सब्जी होती है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और ये देखें, ये अब खराब हो रही हैं क्योंकि इसमें मेल फ्लावर आए नहीं और इसका पॉलिनेशन नहीं हुआ। तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो हमें क्या करना है। आप देखें, अभी इसमें फीमेल फ्लावर ही सारी की सारी आ रही है, मेल फ्लावर नहीं है। तो चूंकि ये थोड़ा मुझे लगता है कि इसकी 1.5 मीटर हाइट हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो टिप है इसे हम कट कर देंगे। यहाँ देखिए, मैं पिंच कर रही हूँ इसे, यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। अब जो ब्रांचेज इसमें निकलेंगी उसमें मेल फीमेल दोनों फ्लावर होंगे, तो ये करना बहुत जरूरी है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके प्लांट में सिर्फ मेल फ्लावर आ रहे हैं या फिर सिर्फ फीमेल फ्लावर आ रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर हाइट के बाद आप इस तरह से पिंच कर दें तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज है
जो मैंने अभी आप लोगों को बताया हैंड पॉलिनेशन। देखें मेरा जो टेरेस है उस पे बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक लुक मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी कि किस तरह मैं पूरे गर्मियों के सीजन के भी फ्लावर लगाती हूँ और ठंड में भी, जिससे कि पॉलिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होती है। चाहे मैं कोई भी सब्जी का प्लांट लगाऊं मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं हैंड पॉलिनेशन करती हूँ। वो इसलिए करती हूँ कि कभी कभी मेल और फीमेल फ्लावर का रेशियो बिगड़ जाता है, तो जितनी देर में हम वेट करेंगे उतनी देर में पॉट में इतना ज्यादा ग्रोथ तो होती नहीं है। तो उसके लिए आप देखें, यहाँ मेरे इस पंपकिन में दिखाती हूँ आपको, यहाँ देखें ये मेल फ्लावर है। इसके पीछे का पार्ट कैसे पहचानेंगे, जैसे ये देखें ये बिल्कुल प्लेन है, और आज एक साथ ही ये मेल फ्लावर भी खिला है और यहाँ देखें ये फीमेल फ्लावर भी खिला है। और फीमेल फ्लावर में पीछे देखें आप फ्रूट लगा हुआ है, ये इसकी पहचान होती है। और आप देखें फीमेल फ्लावर काफी बड़ा है, बिग साइज, और यहाँ देखें मेल फ्लावर देखें ये छोटा सा है। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसे अभी रिस्क नहीं लेना चाहती, हालांकि मुझे 100% यकीन है कि इसका पॉलिनेशन हो जाएगा, फिर भी मैं अक्सर छत पे आती हूँ तो ये काम करती हूँ। देखें इस तरह से मैंने इसमें से पॉलन इकट्ठा कर लिया, ये देखें ये मेरे ब्रश पे आप देख सकते हैं ये पॉलन आ गया। अब मैं इसके स्टिग्मा में इसे लगा दूंगी, ये देखें, और बहुत सावधानी से आपको लगाना है, अदरवाइज ये टूट जाएगा, फिर आपका फ्रूट खराब हो जाएगा। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से चारों तरफ घुमा दें, देखें ऐसे, और 100% मुझे कामयाबी मिलेगी, ये मुझे पता है। इस तरह से करें आप, क्योंकि बहुत लोगों के छत पे इतनी जगह नहीं होती कि वो और भी बहुत सारे फ्लावर प्लांट लगा सकें, तो ये जो तरीका है ये बहुत कारगर है। अब ये देखें यहाँ पे ये खरबूज का की वाइन है, और इसमें देखें जब यहाँ से ये वाइन लगी हुई है, तो जब ये कुछ दूर आगे बढ़ जाती हैं उसके बाद हमें क्या करना है, अगर इसमें से अभी तो इसमें साइड ब्रांचेज मुझे दिख नहीं रही हैं, लेकिन अगर आपके किसी भी प्लांट में साइड ब्रांचेज नीचे की तरफ से जो भी निकलते हैं, यहाँ देखें छोटी छोटी ब्रांचेज अभी निकल रही हैं, ये देखें ये नीचे के कुछ 1 से 1.5 फीट में जो भी साइड ब्रांचेज निकले उसे आपको कट कर देना है। इस तरह से ये देखें यहाँ भी निकल रही हैं, यहाँ भी निकल रही हैं, ये जो है ये हमारी एनर्जी लेती रहेंगी और इसमें न फ्रूटिंग होगी ना ही फ्लावरिंग होगी। अगर फ्लावरिंग होती भी है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ये नीचे नीचे ही सारा एनर्जी ले लेती हैं और जो ऊपर फ्रूट बन रहा होता है उसे वो ड्रॉप हो जाया करता है। तो अब जो एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जो सब्जियों के प्लांट होते हैं, अक्सर आप लोग देखेंगे कि वो थोड़े से बड़े होते हैं तो उनमें पेस्ट का अटैक शुरू हो जाता है, तो चूंकि इनकी लाइफ बहुत कम होती है इसलिए हमें इसका भी ध्यान रखना है कि हम इसे पेस्ट से बचा सकें। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब इसमें फ्लावरिंग होने लगती है तब अगर हम इसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर देते हैं, चाहे वो होममेड ही क्यों ना हो, तो क्या होता है कि जो भी पॉलिनेटर्स आते हैं वो भाग जाते हैं, तो इससे बहुत दिक्कत होती है। मैंने बहुत बार देखा है कि अगर फ्लावरिंग स्टेज में आपने पेस्टिसाइड का छिड़काव कर दिया तो जितने भी छोटे छोटे फ्रूट वगैरह बने रहते हैं वो सब ड्रॉप हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए किस स्टेज में पेस्टिसाइड का छिड़काव करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो ये जो खरबूज यहाँ पे देख रहे हैं ये बन रहे हैं छोटे छोटे, और अगर आप इसकी पत्तियों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें लीफ माइनर का अटैक है। लीफ माइनर ऐसे कीड़े होते हैं जो पत्तियों के बीच में अंडे देते हैं और अंदर ही अंदर वो पत्तियों को खाते हुए बढ़ते रहते हैं, तो इन पे तो पेस्टिसाइड का भी बहुत ज्यादा असर नहीं होता है। तो अभी क्या करना है हमें, देखें मैंने इसमें किसी तरह का कोई छिड़काव इस वक्त नहीं किया है, इसलिए नहीं किया है कि यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर आ रहे हैं। अगर यहाँ पे देखें छोटे छोटे ये फ्रूट भी बन रहे हैं, अगर इस समय मैंने इस पे पेस्टिसाइड का छिड़काव किया तो ये सारे ड्रॉप हो जाएंगे। हमें जब हमारा प्लांट छोटा हो, जैसे यहाँ देखें ये तरबूज की के सीड मैंने लगाए थे, यहाँ पे तरबूज के इस तरह के प्लांट होते हैं, और इसमें आप देखेंगे पीछे की साइड में इसमें कुछ कीड़ों का अटैक मुझे दिख रहा है हल्के हल्के, ये देखें ये स्पाइडर माइट है,
ये जो व्हाइट व्हाइट से आपको दिख रहे हैं ये स्पाइडर माइट होते हैं और ये पूरा जाला बुन लेते हैं, जिससे कि आपका प्लांट, यहाँ देखें, यहाँ बहुत अच्छे से ये विजिबल हो पा रहा है। इसमें देखें, पत्तियों को पलट के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कीड़ों के अटैक का। और ये बहुत छोटा प्लांट है, तो इसमें हर सप्ताह में 2 से 3 बार मैं कोई भी होममेड पेस्टिसाइड जो बनाती हूँ या फिर नीम ऑयल का स्प्रे, अगर इस स्टेज में किया जाए तो बहुत बढ़िया है, जब तक इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। जैसे ही फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाए आप इसका इस्तेमाल बंद कर देंगे। अगर थोड़े बहुत इस तरह से लीफ माइनर का अटैक है तो उससे हमारे फ्रूट को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि हम इसे, हम अपने इस जितनी तरह की हमने वाइन लगा रखी हैं उनको फर्टिलाइज कैसे करें। तो देखें, जब हमने मिट्टी बनाई थी तब तो हमने सॉलिड इसमें खाद डाला था, लेकिन अब जब इसकी फ्लावरिंग टाइम है या फ्रूटिंग टाइम है, चूंकि इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, इसलिए हमें इसमें सॉलिड, अगर हमने इसमें फर्टिलाइजर डाला तो उसका कोई यूज नहीं है, वेस्ट है, क्योंकि सॉलिड डालने पे वो बहुत दिन बाद डिकम्पोज होते हैं और उससे फिर आपके फल बनने में और उसमें कोई मदद नहीं मिलेगी। तो हमें लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। जो भी हम होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं, इवन जो हम दाल चावल धोते हैं अपने घरों में, उसका जो पानी निकलता है उसको आप डाइल्यूट कर लें। जैसे यहाँ मैं दिखाने के लिए आपको रखी हूँ, ये देखें, ये मैंने चावल धोया था। चावल धोने के बाद ये जो पानी इस तरह का बचता है ये मैंने निकाल लिया, लेकिन इसे ऐसे नहीं देना है, अगर ऐसे देंगे आप लोग तो आपका प्लांट खराब हो जाएगा। तो इसे क्या करना है, यहाँ पे देखें, मैंने 5 लीटर पानी लिया है और इसमें इसे डाल दूंगी। इतना डाइल्यूट करना है कि ये बहुत पतले फॉर्म में आ जाए। आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरह का दिखने लगे, देखें इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो जाए। इसके बाद आप अपने सारे प्लांट में एक से दो मग पानी आप डाल दें और हर 10 दिन के अंतराल पे आप बदल बदल के पानी डालें, क्योंकि हमारे जो भी बेल वाले प्लांट होते हैं वो बहुत तेजी से ग्रो होते हैं और फ्रूट भी बहुत जल्दी जल्दी बड़े होते हैं। दूसरा है कि यहाँ देखें, मैंने कुछ किचन के जो छिलके थे उनको डिप करके रखा हुआ है। इस तरह के आप लिक्विड फर्टिलाइजर को भी 24 घंटे आप इसमें 24 से 48 घंटे डिप करके रखें और इसे इसी तरह पानी में डाइल्यूट करके, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, बिल्कुल पतले फॉर्म में कर लें। 5 लीटर में एक मग इसमें से निकाल करके डालें और पूरे अपने जितने भी वाइन है उसमें डाल दें। फिर 10 दिनों बाद आप कंडों की खाद या फिर आपकी कोई कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट, उनको पानी में 1-2 मुट्ठी गीला करें और इस तरह से आप अपने प्लांट में डालें। सिर्फ एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप डाइल्यूशन कर रहे हैं वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में उसमें पानी डालें, नहीं तो अगर वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा तो आपकी वाइन को खराब कर देगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।